आंख बंद करिए, सांस भरिए, ऐसे ऐसे नहीं रहे, ऐसे ठीक है, आराम से बैठिए, जैसे भी सुख आसन। हाँ, आंख बंद, श्वास लीजिए और मेरे साथ बोलिए। ओम मेरे पीछे दोहराएंगे, ओम ब्रह्मार्पणम, बोलिए ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पणम है ना, दोनों को मिला के ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पणम। आवाज आनी चाहिए लंबा, जैसे धुन में बोल रहे हैं वैसे धुन में बोलिए, ब्रह्मार्पणम। ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेवा तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। हाँ जोड़िए, बोलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ पुनः नीचे रख लीजिए ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखिए और 2 मिनट अपने शरीर को देखिए। शरीर आपका, भैया 2 मिनट बाद में, 2 मिनट साउंड में, 2 मिनट बात कर लेते ध्यान के बाद, ध्यान की बात कर लेते हैं जी। सब लोग अपने शरीर को देखिए। हम अपने शरीर में, यजुर्वेद में कहा है, आत्मनम रथिनम विदि शरीरम रथमे, जिनकी आत्मा जागृत है वही शरीर को रथ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, बाकी जिन जो आत्मा से संबंध जिनका टूट जाता है, वह ईश्वर को इदम तीर्थम भ्रमंती ताम साजना, आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वरानने। वह आत्मा में जो तीर्थ है, मंदिर है, उसको नहीं देख पाते, यानी जो शरीर रूपी चेतना है, शरीर के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, शरीर के एक एक कण कण में जो आत्मा है ईश्वर रूपी, वह तभी जागृत होगा जब शरीर को आप मंदिर के रूप में, रथ के रूप में देखेंगे। तो आपको अपने शरीर को मंदिर बना, नहीं तो आप बाहर के आदमी के बनाए हुए मंदिर को में आप भगवान ढूंढने जाएंगे, और अपने अंदर में जो भगवान है उसको आप बीमारी से, गलत खान पान से और व्यसन से, सिगरेट शराब तंबाकू से गंदा करेंगे, और व्यसन की हालत में आदमी के बनाए हुए मंदिर में अंदर नहीं जाए। मान लीजिए हम सिगरेट शराब अगर व्यवहार किए हों या कोई तंबाकू खाए हों, तो उस समय वो मंदिर में प्रवेश नहीं करे, लेकिन भगवान की बनाए हुए इस मंदिर को सिगरेट शराब तंबाकू से गंदा करने में डरेंगे नहीं। इसका मतलब है कि हम अभी आत्मा से जागृत, इसीलिए आत्मा से जागृत मनुष्य आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिन्तु सारथि विधि मनः प्रग्रमेव च।
तब उनकी बुद्धि में स्वयं परमात्मा सारथी रूपी होते हैं, जो आपको बताते हैं 10 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा। जीव से कंट्रोल करना कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना, यह जीव इंद्रिया। आंखों से कब हमें क्या देखना, कान से क्या सुनना, और शरीर के जो त्वचा है, ये 5 इंद्रियां जो हैं, जिसकी विकृत होती है तो हस्त पाद वाक पायु उपस्थ, हाथ और पैर, वाक यानी जिससे आप बोलते हैं यानी मुंह, कंठ और मुंह, पायु आपका पाचन यंत्र जो आपके पेट से और उसके बाद गुदा तक, और उपस्थ यानी आपके जननेन्द्रिय जो आपके मूत्र का, मूत्र त्याग का जो अंग है। यह 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेन्द्रियां जिनकी आत्मा के साथ नहीं जुड़ी है तो वह रावण हो जाते हैं। वह 10 इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, 10 आनंद। और 10 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करते हैं विजयदशमी, 10 इंद्रियों को जो हराते हैं, 10 हरा, और 10 इंद्रियों के हराने से आप राम बन जाते हैं, अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर, रावण को मार कर, रावणस्य मरणम रामा, जो आपका जो 10 इंद्रियों का जो बंधन है, और आप फिर युक्त आहार विहारश युक्त चेष्टश कर्मशु युक्त स्वप्नाव बोधस योग भवति दुखा। फिर आपका सबसे पहला चीज जो जिसमें सुधार होता है वह है आहार, युक्त आहार, सही आहार। तो युक्त आहार विहारश, जिसका सही आहार होगा उसका विहार यानी रहन सहन सही होगा। युक्त चेष्टा से कर्मश, उसका चेष्टा जो भी श्रम करेगा जो कर्म करेगा वह सही होगा। युक्त स्वप्नाव बोधस्य, उसका जो स्वप्न होगा उसका विजन होगा जो उसकी प्लानिंग होगी जो सोच होगी वह सही होगा। उसकी बोध उसकी चेतना जागृति सही होगी। और योगो भवति दुखा, और वह योग में रहेगा दुख में नहीं। तो ये है सिर्फ आहार को शुद्ध करने से। आहार कैसे शुद्ध होगा, संदोष समग्नि शसम धातु मल क्रिया, यानी जो आपका त्रिदोष है वात पित्त और कफ, आपकी शरीर पंच महाभूत से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी यानी जो आप जो भी ठोस पदार्थ है जो भोजन के रूप में है, और आपके शरीर में जो मांस है हड्डी है यह सब पृथ्वी तत्व। जल आप ग्रहण करते हैं, आपके शरीर में जो जल पदार्थ है 73% जल पदार्थ है जो खून के रूप में रक्त के रूप में, तो वह आपकी सारी व्यवस्था को चलाता है रक्त, उसके अंदर जल तत्व। आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, जितना आपका लार से लेकर के जितना आपकी ग्रंथि रस है यानी हार्मोन्स का जो रस होता है, ये सारे रस जितने हैं यह सब जल तत्व। अग्नि, अब अग्नि जो आपके शरीर की है, जब आप पानी खाना खाते हैं उस समय अगर पानी पीते हैं तो अग्नि बाधित होती है, खाना खा के तुरंत पानी पी लेते हैं तो अग्नि बाधित होती है। आप खाना खा रहे हैं और खूब खूब मसालेदार मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं तो अग्नि उसमें प्रबलित हो जाती है, तो उसके कारण उसको नियंत्रित करने के लिए सलाद या कुछ ठंडी चीजें जैसे छाछ है उसको साथ में ले, बीच में पानी पी लेंगे तो वह भी सही नहीं है। तो ये हो गया आपका अग्नि के। फिर उसके बाद वायु, अगर आपकी अग्नि ठीक नहीं रहेगी और पाचन ठीक नहीं हुआ तो आप देखेंगे खाना के बाद ही गैस हो जाता। खाना आपने खूब चटपटा मसालेदार तली भुनी खाया और उसके बाद फिर आपने और भी खाना खा लिया, फिर मिठाई भी खा लिया, तो आप देखेंगे कि जो पार्टी में जाते जनरली तो आप देखेंगे कि आपका पेट फूल जाता लगता है, खा लिया ढकार पे ढकार, तो यह आपकी गैस बनती। यही सामान्य तौर पर थोड़ा बहुत होता रहता है, हमें पता नहीं चलता है।
वायु विकार जब आपके शरीर में इधर उधर जाएगा, अलग अलग अंगों में प्रवाहित होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलना चाहिए वह नहीं निकल गए, जो आपके वायु आपके जब आप पेट साफ करते हैं उसके रूप में निकलना चाहिए वह नहीं निकल के, या गैस पास करते हैं तो आप उसके रूप में नहीं निकल के, आपके विकृत शरीर में जाती है और वह जोड़ों के दर्द होता है, कहीं भी किसी भी तरह का सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, साइनस होता है, यह सब जितने भी तरह के कमर दर्द से लेकर कोई भी दर्द हो, माता बहनों को एड़ियों में दर्द होता है, ये सारा दर्द आपकी वात रोग है जो पित्त दोष के कारण, और अंत में पृथ्वी पृथ्वी की विकार यानी आपके पेट बड़े हो जाएंगे, आपका मांस जो रस है हड्डी कमजोर हो जाएगा, यह पृथ्वी का विकार। तो यह छोटे उम्र से भी लोगों को देखिएगा कमजोर होते हैं, हड्डी मजबूत नहीं रहती, पेट बड़ा होने लगता है, पेट फुल मोटापा आ जाता है, पेट में चर्बी आ जाती है, यह सब आपके। तो आपके देखिए पांच तत्व जो आप इस प्रकृति से मिला देंगे, अभी आप आंख बंद करके बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, तो यह दो समझना यही आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु का मतलब वेद, आयु का मतलब जीवन, वेद का मतलब विज्ञान, जीवन का विज्ञान ही आयुर्वेद, इसीलिए इसको कहते हैं समदोषा समवनीषा समधातु मलक्रिया, यानी आपके त्रिदोष नहीं हो, यानी जो पंच महाभूत है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, या नहीं हो, अगर आपका जल और पृथ्वी का दोष या अग्नि का दोष होगा तो वात पित्त दोष कहते हैं उसको, और अगर आप वायु का दोष होगा आपके शरीर में थकान दर्द होगा तो इसको हम वात कहते हैं, और आपके शरीर में स्थूलता और आलस्य होगा तो इसको हम कफ कहते हैं, आपके हड्डियों में आपके मांस में गड़बड़ी है सब कफ में, और यही कफ प्रकृति जब आपकी वायु विकार के साथ पित्त विकार के साथ आती है तो सर्दी खांसी जुकाम होता है। तो अब समझ लीजिए इस स्त्री दोष को ठीक कर दिए, और वह ठीक कैसे होता है, छह रस से। छह रस क्या क्या है, मीठा खट्टा नमकीन कड़वा कसाय और तीखा, यही आपका सही आहार है, इसीलिए इस आहार को कब कैसे लेना है इसको समझना, यही आयुर्वेद है, तब आपका मल और मूत्र ठीक हो जाता है, और जैसे यह ठीक होता है प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थता इति अभिदेते, आपका इंद्रिय मन आत्मा सब प्रसन्न हो जाता है और आप स्वस्थ होते हैं, यही आयुर्वेद। तो इस आयुर्वेद की परिभाषा के साथ आइए 2 मिनट आप मेरी इस वार्तालाप को सुनते हुए अब आप शरीर को देख लीजिए, आंखें बंद कीजिए, इसे हम योग निद्रा कहते हैं, लंबे गहरा सांस लीजिए, हर श्वास में भगवान का नाम, आप राम का नाम कृष्ण का नाम जो भी लेना चाहते हैं, चाहे राम ले रहे हैं तो राम ही ले लीजिए, तो राम बहुत जरूरी है, तो राम से सांस लीजिए, राम से छोड़िए, या नहीं तो रा से लीजिए, म से छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए सांस, एकदम बिल्कुल सामान्य जैसे लेते हैं वैसे लीजिए, लेकिन पूरा सांस भरिए, और पैर के अंगूठों से एड़ियों तक एकाग्र कीजिए और सांस लेते रहिए। एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र कीजिए, सांस लेते रहिए। देखिए शरीर को जितना ज्यादा आप आंख बंद करके देखेंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, यही योग निद्रा है। योग निद्रा यानी कि निद्रा यानी विश्राम, और योग यानी भगवान से मिलन, योग का मतलब जोड़ना होता है, तो आपका मन अगर शरीर के साथ भगवान में मिल रहा है तो आप योग में, तो इसी को आप आराम दीजिए, शरीर के एक-एक अंगों को आंखें बंद करके देखिए। तो अभी हम कहाँ पहुंचे, एड़ियों से घुटनों तक पहुंचे, और सांस पर राम का नाम चल, हर सांस में राम राम, सांस ले रहे हैं रा से म से छोड़ रहे,
ये अभ्यास करते रहिए, होठों को नहीं हिलाना है, रा से लेना म से छोड़ना। अब आप घुटनों से जंघाओं तक आइए, जंघाओं से रीढ़ के अंत में जो आपका मेरुदंड है, जो आप कमर बिल्कुल सीधा करिए, और जो कमर का जो सबसे नीचे वाला भाग है, जो गुदा स्थान के पास, टॉयलेट के रास्ते के पास जो हड्डी है, वह आपका मूलाधार चक्र, वहां मन को एकाग्र कीजिए। वहां पृथ्वी तत्व होता है, जो आप नवरात्र में प्रथम शैल पुत्री थी, शैल यानी पृथ्वी। अब आप यहां से जल तत्व में आइए, जहां आपका मुतेंद्री है, वह है द्वितीय ब्रह्मचारिणी। वहां ब्रह्मचर्य की सिद्धि वही होती है। 12 वर्ष की उम्र के बाद जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उसी अंग से आपका ग्रंथि रस श्राव होता है वीर्य के रूप में, और माताओं में रज के रूप में। तो यह आप यह समझिए कि यह ब्रह्मचर्य की सिद्धि है। 13 वर्ष की उम्र में कोई विवाह नहीं कर लेता या बच्चे पैदा नहीं करता, तो उस समय से लेकर 20, 22, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना इस अंग की सिद्धि जरूरी है। वह द्वितीय ब्रह्मचारिणी। अब आइए तीसरे आप पेट के पास। अब तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्रमा की घंटी। अब आपका यहाँ पर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है। बंद आंखों से आप महसूस कीजिए कि पेट में ये सारे अंग हैं, माता बहनों में गर्भाशय होता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको ठीक रखना है। तो मन की आंखों से आप देखेंगे, एकाग्र करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, राम से, रा से लेंगे, मां से छोड़ेंगे, तो ये अपने आप इसको सही रखने का बुद्धि आपके मन में आ जाएगा। लिवर, किडनी, पेंक्रिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बहनों में गर्भाशय, सब ठीक रहेगा। अब धीरे धीरे आइए आप और ऊपर, आप हृदय चक्र पर। वहां की अग्नि, आपने नाभि की अग्नि को ठीक किया, बोलते हैं नाभि गड़बड़ा गया, नाभि गड़बड़ाने से ही बीमारी आती है। अब आप हृदय पर आइए, हृदय पर आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वहां फेफड़ा होता है और वहीं पर आपका हृदय होता है। हृदय यहां मतलब छाती से एम्पेयर है। यहां पर आपका मन परमात्मा में मिलना शुरू हो जाता है। यह मानवीयता से देवता के गुण का यह आरंभ प्रारंभ बिंदु है। लंबा सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरिए, पूरा छाती फुलाइए और धीरे धीरे छोड़िए। और हर सांस में मैंने बता दिया, रा से लेना, म से छोड़ना। अब आप कंठ पर एकाग्र कीजिए, गर्दन, कंधे, बाजू, केहूनी, कलाई। तो आपका हृदय पर था क्या? कुष्मांडी थी चतुर्थम। सांसारिक बंधनों से में रहते हुए आप संसार में मुक्त रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, तो समझ लीजिए आप अपने सांसारिक बंधनों में, जो कुष्मांड है, जो सांसारिक आकर्षण और वासनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं का जो घड़ा है, उस पर आपका नियंत्रण। और विशुद्ध चक्र यानी जहाँ आपका कंठ है, जो थायराइड की गड़बड़ी हो जाती है और हम मोटे या पतले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, झगड़ा करते हैं, यह सब थायराइड की गड़बड़ी। अनिद्रा होता है या खूब सोते हैं, ये दोनों थायराइड की गड़बड़ी। एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपरथायराइड। तो आप इसमें इसको कब होता है, ये भी अग्नि की गड़बड़ी से, नीचे के अंग की गड़बड़ी से, पाचन तंत्र की गड़बड़ी से, खान पान की गड़बड़ी से, तनाव लेने से, जब सोना चाहिए नहीं सोए, जब जब नहीं सोना चाहिए उस समय सो रहे, जो खाना चाहिए वो नहीं खाया और जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, यह सबसे आपकी पेट की गड़बड़ होगी, तनाव आएगा, और उसके बाद आपका पाचन गड़बड़ और आपका थायराइड भी गड़बड़। तो यह आपको जो कंठ पर आपका एकाग्र करके राम का नाम ले, राम, तो आपको शांति मिलेगी और हर सांस में ईश्वर। फिर दोनों आंखों के बीच में पंचकम स्कंद माते थी,
यहां से दोनों आंखों के बीच में कात्यायनी थी षष्ठकम। अब आप देखिए तीसरा नेत्र भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर आ गया। आपका पूरा चेहरा आपका चमक रहा है, आपकी होठ गाल कान नाक आंखें भौं ललाट माथा सब शांत है, सब में शांति है आनंद है। दोनों आंखों के बीच मन एकाग्र है, हर सांस में ईश्वर का नाम। कात्यायनी यानी शक्ति, शक्ति दुर्गा की आंखें। अब यहां पर आप जागृति में, ब्रह्मरंध्र में आपका सप्तम काल रात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री थी, नव दुर्गा परिकीर्तिता। ये नौ दुर्गा की पूरी साधना कर लिए सिर्फ शरीर में। मस्तिष्क के ऊपर में प्रकाश के रूप में आप पूरे शरीर को देखिए। अब आप नीचे आइए, फिर से आप दोनों आंखों के बीच में आइए, चेहरा को देखिए, गर्दन देखिए, लंबा सांस लेते रहिए, रास से मां से छोड़ते रहिए, छाती को देखिए, मन की आंखों से आंखें बंद करके देखिए और सांस बिना होठों को हिलाए रास से लीजिए, मां से छोड़िए, राम का जाप करते रहिए। पेट को देखिए, अपने मुतेंद्रियों को देखिए और अंत में फिर से आप जो आपका रीढ़ का अंत है मेरुदंड। अब आप सांस लीजिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का लीजिए, एक लंबा सांस लीजिए और नीचे से ऊपर तक जाइए माथे तक, और सांस छोड़ते हुए माथे से नीचे तक। अंत में हृदय पर आ जाइए, पुनः मन को ऊपर जब पहुंच गए तो ऊपर से नीचे, अब लास्ट में हृदय पर छाती के मध्य में। अब आप खुली आंखों से ध्यान करें, छाती के मध्य पे मन एकाग्र है, धीरे धीरे आंख खोल दीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे अपने दिव्य चक्षु को खोलिए, जो दिख रहा है उसको देखिए, चाहे आप मशीन चला रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप घर में आप रोटी बना रहे हो, चाहे आप खेती किसानी कर रहे हो, सभी स्थिति में खुली आंखों से ईश्वर का नाम लेते रहिए, राम चलता रहेगा आंख खोल करके। संसार को देखिए, ऊपर नीचे देखिए और राह से लीजिए, मन से छोड़, खुली आंखों से। यह है ईश्वर प्रणिधान, हर समय ईश्वर के साथ अपने प्राण को अधीन कर लीजिए। अब आप हाथ जोड़िए, आंख बंद कर लीजिए, फिर से अब मेरे पीछे बोलिए, नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुर् ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को, दोनों आंखों के जुड़े हुए हाथ को दोनों आंखों के बीच में टच कीजिए अंगूठों को, और फिर नीचे लाइए आत्मा को, हृदय से प्रणाम, ऐसे ते जाइए ऊपर दोनों हाथों को, और अंगूठों से आप आंखों के बीच में स्पर्श कीजिए, फिर आप हृदय पर स्पर्श कीजिए, तीन बार आत्मा को, हृदय से प्रणाम, आंखें बंद रखिए। अब आप इस ऊर्जा को, जो आपके हाथ में जो ऊर्जा है, जो ध्यान की शक्ति से जागृत हुआ है, इस ऊर्जा को आप शरीर को स्पर्श कीजिए, किसी को भी स्पर्श करेंगे तो उसको आराम हो जाएगा। अब आप ऊपर चेहरे को पहले मालिश कीजिए, ऊपर से नीचे, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, कान का मालिश कीजिए, इस तरह देखिए उंगली से कान का मालिश कीजिए, गर्दन का मालिश कीजिए, ऐसे ऐसे करके चेहरे छाती का मालिश कीजिए, कमर, आराम से इसको खोलिए पैर को। अभी देखिए आपको कैसे मजा आएगा, देखिए अब एक पैर खोलिए और इसका मालिश कीजिए ऐसे आराम से, ठीक है, सिर्फ टच कीजिए, आपको महसूस होगा कि ये ठीक लग रहा है, और ये अब दूसरा पैर, समझ गए। तो आज जो हम लोगों ने सीखा, जो यात्रा किया, यह यात्रा योग निद्रा ध्यान, यह आप जितना बार भी करें उतना अच्छा। बड़े बड़े जितने भी महात्मा योगी हैं, वो सब लोग अपने शरीर में ही ध्यान लगा, बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग बोलेंगे कि यहाँ एकाग्र करो, यहाँ एकाग्र करो, तो वहां इतना आसानी से आप कैसे पहुंचिए, पहले नीचे से ऊपर जाए है ना, फिर ऊपर से नीचे आइए, फिर नीचे से ऊपर जाइए, फिर ऊपर से नीचे आइए, ठीक है ना, इस तरह से करके। अब इसके बाद
अब ये शरीर की जब यात्रा हो गई, जो हमने कुछ मंत्र वंत्र बोला और आपको बताया कि आपका कैसे आप स्वस्थ रहते हैं, कैसे मलमूत्र ठीक होता है, ये सब बोला मैंने। रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे बाद में तो आपको सब और समझ में आ जाएगा कि आप का जो जो समदोष वात पित्त और कफ, जो हम आपको बता दिए कि आपका पृथ्वी गड़बड़ी हो गया तो आपको कैसे पेट बड़ा हो गया, हड्डियां खराब हो गई, जल गड़बड़ी होगी तो क्या हुआ, कैसे हुआ? बहुत आदमी है जो लोग खाना खाते खाते पानी पीते हैं या खाने के बाद पी लेते हैं, है ना, खूब मसालेदार चटपटा जो खाना खाते हैं, ये सारा चीज जल को अग्नि को खराब। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ध्यान दे दिए तो कंट्रोल, यही आयुर्वेद, ये हमने आपको बताया शॉर्ट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अब बहुत साधारण सा योग करना चाहिए, वह है कि आप अपने शरीर के हर अंगों को हिला लीजिए। तो सबसे पहले आप आराम से बैठे हैं, इसको हिलाइए, है ना, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे ऐसे ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1, अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1, अब ऐसे क्यों नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1, अब ऐसे बोल, हाँ, लीजिए बाहर चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग जो है पूरा देखिएगा कंधा, अब इसमें अगर मान लीजिए और दर्द हो रहा था, ऐसे पकड़ के ऐसे इधर खींचिए, इधर से उल्टा, हाँ, इसको ऊपर ले जाइए, हाँ, और ऐसे खींचिए, क्यों नहीं को, हाँ, पीछे जो है ना, पीछे बीच में रीढ़ पर स्पर्श करने की कोशिश की, है ना, फिर इधर से ऊपर से आगे से, हाँ, ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये आपका ये गर्दन तक हुआ। अब पैर लास्ट में हम गर्दन का करेंगे, ठीक है, इसके बाद पैर को आप लंबा करिए और लंबा करके पीछे हाथ रख के आराम से पैर पैर की उंगलियों को 10 बार हिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे खींचिए, 1 फिर अंदर, ये 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अब गोल घूमे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1, अब ऐसे पकड़िए, साइकिल चलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर की तरफ, 8 7 6 5 4 3 2 1, दूसरा साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1, अभी इसको ऐसे बच्चा खेलाने के, ठीक है, ऐसे, हाँ, 1 2 3
चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। फिर दूसरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब इसको फिर से यहाँ लाइए और जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाइए और इसको नीचे लगाइए, फिर ऊपर। एक, दो, दोनों हाथ से, ये दोनों हाथ। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब दूसरे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये हो गया, ठीक है ना। अब इतना था कर लिए, देखिए यहां तक हम ये कर लिए। अब सोचिएगा गर्दन, गर्दन का लास्ट में हम लोग करते हैं, सांस लेते ऊपर, छोड़कर नीचे, सांस लेके ऊपर, छोड़ के नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। गर्दन दर्द जिनको हो ना तो नीचे नहीं दबाना है। अभी सामने देखते हुए फिर बाएं देखिए, सांस लेके फिर सीधा कर दीजिए, फिर दाहिने देखिए सीधा करिए, बाएं देखिए सीधा कीजिए, दाहिने देखिए। ये थायराइड की गड़बड़ी जो भी होगी और जितने भी तरह के गर्दन से जुड़े तकलीफ सबको ठीक करता है। अब इस ऐसे करके, अब ऐसे फिर सीधा, फिर ऐसे, फिर सीधा, ठीक है ना। अब गोल घुमाइए ना, एक दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर उल्टा आ जाएंगे, एक बार में एक ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। देखिए ये घड़ी की दिशा में हुई, अब उल्टा, समझ में आ गया? ऐसे गए वापस, ठीक है ना। अब यही चीज आराम से, सांस भरते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते नीचे, वापस, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अब अंतिम क्रिया जो है वो आपका आंखों का, अंगूठे को सामने लाइए दाहिने हाथ के और सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए, धीरे धीरे। अंगूठा बिल्कुल देख, अंगूठे से ध्यान नहीं हटना, सांस लेते ऊपर, पूरा जितना ऊपर देख सकते हैं ले, फिर सांस छोड़ते नीचे। इसमें तीन क्रिया एक साथ हो रही, योगासन आपके हाथ घूम रही, योगासन हो रहा, सांस के साथ प्राणायाम, और जो एकाग्र कर रहे हैं वो ध्यान। इतना मस्त चीजें बताइए, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ठीक है ना। बस कहीं कोई तनाव हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, आंख में तकलीफ हो रही है, बस ये आप कर लीजिए त्राटक क्रिया सुबह शाम। अब बीच में लाइए, अब थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, सांस ले आंखें बंद करके और धीरे धीरे छोड़िए। चलिए फिर आंख खोलिए, और फिर से दाहिना हाथ लाइए,
कोई भी हाथ से, अब सिर्फ दाहिना है तो दाहिनी तरफ ले जाइए, नहीं नहीं बाईं तरफ नहीं, दाहिनी तरफ आपका थोड़ा घूम जाए, ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, इधर नहीं इधर इधर चेहरा कर लीजिए तो आराम से, हाँ हाँ तो ये घूम जाएगा आराम से आपका तो भैया। चलिए सब अपने अपने दाहिने हैं, दाहिने में दाहिने तरफ, दाहिना देखिए आप, बायां देखिए, और गर्दन नहीं घुमाएंगे, ध्यान रखिए गर्दन बिना घुमाए आप अंगूठे को देखिए और वापस ले, गर्दन बिल्कुल नहीं घूमे, सांस भरते हुए सिर्फ दाहिना जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए दाहिना, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस लेते हुए दाहिना, सांस छोड़ के सीधा, विश्राम। अभी बाएं हाथ उठाइए, अब बाएं हाथ तरफ ले जाइए, सांस भरते हुए, अंगूठे गर्दन नहीं घुमाना, ध्यान रखिए, फिर सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सीधा, धीरे धीरे, धीरे विश्राम। अब घड़ी की दिशा में दाहिना हाथ से ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए, फिर दाहिने लाइए राइट, फिर नीचे लाइए, फिर बायां ले जाइए, यहां उल्टा ले जाना, उसी अंगूठे को देखिए और कहीं मत देखिए, मुझे मत देखिए, फिर इधर ले जाइए, फिर नीचे लाइए, सांस भरते ऊपर जाएगा, एकदम घुमाते रहिए गोल गोल, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिना नीचे, सांस भरते हुए बायां ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिना नीचे। चलिए विश्राम, अभी बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से सांस भरते हुए ऊपर, फिर बायां, फिर नीचे, फिर दाहिना, फिर ऊपर, फिर बायां, फिर नीचे, फिर दाहिना, फिर ऊपर, फिर बायां, फिर नीचे, दाहिना, ऊपर, बायां, नीचे, दायां, ऊपर, बायां, नीचे, विश्राम। अभी पलकों को झपकाएंगे और साथ साथ हाथ को गर्म करेंगे, आंखें खोलते बंद करते रहिए, पलकों को झपकाते रहिए और साथ साथ हाथ को रगड़ते रहिए और गर्म कर लीजिए, जब तक हथेलियां गर्म हो जाए तब तक आप पलकों को झपकाते रहिए, झपकाते रहिए, खोलिए बंद कीजिए आंखें, खोलिए बंद कीजिए, खुले बंद कीजिए, खुले बंद कीजिए, खुले बंद कीजिए, ब्लिंक योर आइज एंड अब योर हैंड साइमल्टेनियसली। अब जब आपकी हथेलियां गर्म हो गई, अब गर्म हथेलियों की नीचे वाले गुदा वाले भाग से, जो मोटा वाला भाग है उससे आप आंखों की सिकाई करें, थोड़ी देर तक आंखों के ऊपर रख दीजिए, अब बिल्कुल अंधकार में आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, अब आप गोल गोल घुमाइए हथेलियों को आंखों पे, आंखें बंद रखे हुए हथेलियों को रखे हुए गोल गोल घुमाइए एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा, 5 बार एक दिशा, 5 बार दूसरी दिशा, और चेहरे को ऊपर से नीचे मालिश करते हुए आराम से आंखें बंद रखे हुए घुटनों पे हाथ को रखें, बिल्कुल आराम से लंबा सांस अंदर लीजिए, लंबी सांस और हृदय पर मन एकाग्र कीजिए, आप महसूस करेंगे पूरे तनाव से आप मुक्त हो चुके, सर्वचिंता परित्याग और निश्चिंते उचते संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनः। सारे चिंताओं से मुक्त तब होते हैं जब जीव का शिव से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है, सीता का राम से मिलन होता है, शिव शक्त्यात्मक, ओम शांति शांति शांति, धीरे धीरे आंखें खोलें, नमस्कार। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, अब तीसरा जो है सिर्फ दो आसन आज हम आपको बता देंगे जो आप धीरे धीरे और बढ़ेंगे, आज दो आसन करें जैसे पालथी मार के हम बैठे, ठीक है ना, वैसे घूम जाइए, तो पालथी मार के बैठे हैं राइट, और हम
ले लीजिए। देखिए, अब पानी पीते रहिए। और पहले देखिए, बहुत आराम से हम लोग जो बैठते हैं ना, इसको पलथी मारना कहते हैं। ठीक है, तो ये पलथी मारे हुए हैं। ओके, तो आराम से ऐसे बैठे हैं। अब इसी में एक पैर ऐसे भी रख सकते हैं, अरे ठीक है ना। तो अरे इसी में आपने दाहिना हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लिया। अभी पहले पानी पीते रहिए, सिर्फ मुझे देखिए, ठीक है। और सांस छोड़ते हुए अगर हम नीचे जाते हैं, ठीक है, और अगर जितना दूर गए उतना दूर तक सांस छोड़ के रोक लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, तो सांस नहीं रोकना, ठीक है। और सांस छोड़ते 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 माथा नीचे लगा दिए, अगर लग गया तो, ठीक है। फिर सांस लेते लेते रुक जाएगी। बहुत सिंपल है ना, ये योग मुद्रा है। और ये जो हर बार जब हम खाना खाते हैं, अगर हम डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते हैं, अगर जमीन पे खाते हैं, तो जितनी बार आप निवाला लेंगे उतनी बार आप झुकेंगे, तो आपका पेट ठीक रहेगा। जब आप ओवर ईटिंग करेंगे, ज्यादा खाना जब खाएंगे, तो ऐसे बैठ जाइए। इसीलिए भगवान ने ये प्राकृतिक व्यवस्था बनाया। अंग्रेजों ने फिर डाइनिंग टेबल ला दिया, चाय ला दिया, है ना, फिर चीनी ला दिया, और उससे पूरी बीमारियां हो गई। और वो पूरी प्लान साजिश थी, और अभी चल ही रहा है। मोमोज और मैगी मोमोज, ये सब सब बिस्किट ब्रेड, ये सब साजिश, ये पूरा प्लान व्यवस्था है। अपने WHO के साथ थिंक टैंक बैठकर प्लान करता है हमारे जीवन के आयुर्वेदिक पद्धति को खत्म करने के लिए, ताकि आप उनकी दवा के मायाजाल में फंसे। और गलत खाना खाएंगे तब ना बीमार, गलत तरीके से जिएंगे तब ना बीमार, ठीक है। ये चीज है। तो अब इसको, लेकिन कुछ भी हो जाए, भस्मासुर शिव का भस्म करने चलेगा तो शिव जी तो उसको कंट्रोल तो करेंगे, रावण राम का वध तो नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान फिर अंत में उसको समापन के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। यानी धर्म की रक्षा तो होगी, धर्म की रक्षा पहले कहां से शुरू होती, शरीर से। एक गिलास हो जाए तो फिर दूसरा गिलास, है ना, दूसरा गिलास के बाद फिर एक एक्सरसाइज है, उसके बाद फिर 2 गिलास पियेंगे, फिर छुट्टी, फिर आपको जब प्रेशर आएगा घर जाके होगा, मोशन एक आएगा, एक या 2 भी मोशन आ सकता है, 3 भी मोशन आ सकता है, नहीं आएगा तो पानी पीते रहें। लेकिन तब तक भोजन नहीं करना है, फल खाना है, लेकिन पका हुआ खाना नहीं खाना है, जब तक आपका पेट से आप अच्छे से नहीं हुई, लूज मोशन, मतलब एक वाटरी मोशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने यही चीज किया, अगर हमारा ऐसे करके आसन लग जाए, क्या है, अगर ऐसे आसन लग जाए जिसका, ठीक है ना, ऐसे आसन लग जाए, ओके, तो इसी आसन में सेम दाहिने हाथ से बाएं कलाई, और आसन लगाने में भी, पद्मासन में भी, ये तो उनके लिए जो बच्चे लोग हैं जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल, ये दाहिना पैर को बाएं जगह ऐसे, और फिर ये उल्टा ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए आराम से, अब जिनका अभ्यास है वो नाक दाढ़ी सब लगा, ठीक है ना, ओके, पी लिए धीरे धीरे पीछे, है ना, एक 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 घूट पिए, रुकना है रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टी नहीं आनी चाहिए। जैसे ये कर लिए, ये आसन सर्व रोग हारक है, सुबह शाम कर लिए, सारे रोग इसी से, एक ही आसन से ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम योग मुद्रा है। माताओं बहनों की कितनी भी तरह की जो मासिक की तकलीफ होती है, सबसे खाली मासिक के दौरान मैं उनको नहीं करता, समझिए। तो एक मतलब समझ लीजिए कि आप लोग घर में भी सबको ये बोले पालथी मार के बैठो, आगे झुको, ऐसे जितना झुक सकते। मान लीजिए पेट की चर्बी होगी, धीरे 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 जब माथा लग गया, समझ लीजिए पेट का, समझिए ये चीज। ये पहला आसन, ठीक है ना, भैया पीजिए, पानी पीना शुरू करना है। इसको पीने का तरीका है कि सिप सिप करके पीना है, 1 गिलास पिए,
मुंह लिया, मुंह में एक घूंट लिया और हिलाया कुल्ला करने की तरह, और फिर उसका दूसरा घूंट। अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि अपना डाइन एक घुट लिए, हिलाया कुल्ला जैसे करते हैं, फिर अंदर लिए, हाँ हर बार घुट घुट करके, ठीक है ना। अब देखिए दाहिने तरफ में गए, फिर सांस भर के उठ गया, तो क्या हुआ, यहाँ लीवर का एक्सरसाइज। बाएं तरफ में गए, फिर सांस भर के उठे, पैंक्रियास का एक्सरसाइज है ना। अब ये ही लीवर की गड़बड़ी होती है ना, कोई बात नहीं, इधर से भी कर सकते हैं, पहले बात का कोई दिक्कत है ना। तो लीवर की गड़बड़ी से ही डायबिटीज होता है। दाहिना लीवर, राइट लीवर, लेफ्ट, और फिर बीच में गए, हाथों का एक्सरसाइज हो गया, अमाशय, हाथ और लिवर, किडनी, पेंक्रियास सब। और फिर सांस भर के। हाँ दीदी, थैंक यू। और फिर उसके बाद हाथ को खोल दिए और पीछे हाथ रख के ऐसे कर लिए, तो आपका छाती, गर्दन सब का हो गया, ये थायराइड की गड़बड़ी भी हो गई, ठीक है। ओके, अब पानी पी लिए एक बार अभ्यास। हाँ यही आसन, एक ही आसन आज, एक और चलते पे एक और आसन नहीं, पहले आप सामने से शुरू, सामने वाला एक बार कर लेंगे तब दाहिना बाएं, ठीक है। हाँ वो हो जाएगा, अभी दो दो ग्लास और पियेंगे ना सभी लोग। चलिए सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए जहां तक जा सकते हैं, अगर इतना पेट है तो यहीं तक जाएंगे, कुछ लोग इतना पेट वाला रहेगा तो हिल ही नहीं पाए, लेकिन कुछ तो होगा। चलिए चलिए देखिए कहाँ कहाँ पहुंच रही है यात्रा, अब वहां जाके सांस रोक लीजिए, बोलना नहीं बीच में। अब 10 सेकंड के बाद सांस भरते उठ जाइए, धीरे धीरे उठिए, हाथ को खोलिए और पीछे खींचिए, सांस पूरा खींचिए, छाती, गर्दन, पेट सब खींचिए, विश्राम, ठीक है। अब इसी प्रकार दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लिए, हाँ, और अब दाहिना जोड़ लीजिए, दाहिना घुटना में माथे लगाने की कोशिश कीजिए, सांस रोक लीजिए, ब्लड प्रेशर और हृदय के मरीज को सांस नहीं रोकना, सांस भरते उठ जाइए। अब धीरे 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 बायां तरफ, यानी जब दाहिने तरफ में, राइट साइड में आपके लीवर का एक्सरसाइज हो गया, लेफ्ट साइड में आपका पैंक्रियाज और स्प्लीन, सांस भर के उठ गए। इसको योग मुद्रा कहते हैं, योग की मुद्रा है, योग का आसन है। और फिर दाहिने सामने गए, सांस छोड़ते, फिर सांस भर के उठ गए, फिर पीछे हाथ रख लीजिए, सांस लिए, विश्राम, ये आपका योग मुद्रा, इसको करना है 8 बार, 5 बार कम से कम, ये 1, 2, 3 और पीछे, ये 1 राउंड हुआ, ऐसे 5 राउंड कम से कम, सुबह शाम खाली पेट, ठीक है ना, ऐसे पानी पी के भी कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका एक आसन। दूसरा है कि एक ये आसन हो गया, अब ये आसन है, ये ऐसे ऐसे बैठ गए, अब बैठ के दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचे, अभी ऐसे नहीं, रुक जाइए, वज्रासन में बैठ के पूरा सांस बाहर है, और आगे निगाह करने की कोशिश, फिर सांस लेके, इससे शुगर का, लीवर का, गैस का सब बीमारी ठीक, यहाँ तक कि जोड़ों की दर्द, गर्दन दर्द, ये सब भी ठीक होता है, लेकिन जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है वो ऐसे नहीं बैठे, वो फिर कुर्सी पे बैठ के करें, ठीक है। शुगर वाले के लिए, गैस वाले के लिए दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, शुगर वाले के लिए बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, लेकिन दोनों को करें,
शुगर का भी प्रॉब्लम गैस में यानी लीवर से जुड़ा होता है, लीवर। ठीक है, तो एक बार इधर ऐसे बैठिए ऐसे। ऐसे पैर पंजा पीछे, पंजा पीछे बैठ जाए ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे बैठने की कोशिश। अगर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए पेट खराब है। जिसको दर्द नहीं, जैसा कि हाँ जापान के लोग और मुसलमान लोग शरीर से मजबूत इसीलिए होते हैं क्योंकि ऐसे बैठे। ये वज्रासन, तो नमाज में ऐसे करते हैं डेली डेली नमाज में, नमाज नमाज में ऊपर से नीचे तक ऐसे 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 आसव योग योगा है, समझे, तो धर्म से किया योगा है। तो ये जो आपके ये है ना, नहीं, इसमें दाहिना बाएं नहीं है, इसमें सीधा ही है। चलिए अभी दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, है ना, कोई बात नहीं, बिना दर्द के तो कुछ हुआ नहीं। लीजिए, भैया बेडशीट वेडशीट है वो दे दीजिए जरा उनके पैर के नीचे, उनको उनको ज्यादा तकलीफ है। रणधीर जी वो बेडशीट दे दीजिए, आप पैर के नीचे लगे, पैर के नीचे यहाँ लगाइए, देखिए पानी मिलेगा। करिए करिए करिए, हाँ कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते कीजिए। अब आप अंतिम वाला है ना, यहाँ नहीं, एड़ी पर लगाइए, एड़ी पे लगाइए उसको, एड़ी पे लगाइए, थोड़ा साइड होइए कैमरा, आ गया, देखिए लाइट आ गया। चलिए अभी घुटना, ये अंगूठा अंदर कीजिए, अंगूठी बंद कीजिए, ऐसे लगाइए ऐसे, देखिए देखिए मुझे ध्यान दीजिए। गुड, आप ऐसे कर रहे हो, नहीं ऐसे, करेक्ट। सांस लीजिए, घुटना मिलाइए भैया, घुटना मिलाइए, सांस बाहर, पेट अंदर, आगे झुकिए, दबा के सांस छोड़कर रोक लीजिए। सामने निगाह, निगाह सामने, गर्दन ऊपर की तरफ, सांस भर के ऊपर। लीवर ये लीवर, किडनी, पेंक्रियास सबके लिए है, शुगर की बीमारी और कब्जियत और गैस एसिडिटी की बीमारी, जोड़ों के दर्द, सबको ठीक करेगा। अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर, सांस बाहर, सांस लेके ऊपर, ठीक, आराम से बैठ जाइए। आज के लिए हम लोग दो आसन सीखे, ठीक है, बस चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ, वो आप अभ्यास कल करेंगे अपना बिस्तर छोड़ने से पहले। पानी हाँ चलो पानी, आप पानी आप दो दो गिलास और पीजिए, पहले एक एक गिलास पीजिए सभी लोग, है ना, फिर अंतिम बच गया एक एक गिलास, और उसके बाद आप घर जाइए, जाते जाते मोशन आए। और जो वो वाला पार्ट है, अगर टाइम है आपको, मैनेज हो सकता है, वो वाला कर देते हैं आपका, ये तो कल करेंगे। बंद तो ठीक है, तो गया तो क्या ठीक है भी ठीक है, 9 बज गया क्या, ठीक है। देखिए सुबह बिस्तर कैसे छोड़ना है, ये आपका आज का, आज बता देते हैं, करना आपको सुबह, सुबह जब बिस्तर से उठेंगे ना, तो उसको, कोई बात नहीं, उसको क्या करेंगे, बिस्तर से उठते साथ जैसे नींद खुल जाए, तकिया हटा देना, है ना, और हटा के पीछे मान लीजिए दीवार है तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, है ना, और हाथ को ऐसे खींचेंगे, ठीक है, और फिर पैर को मोड़ देंगे, और फिर बिस्तर लेटे लेटे बिस्तर छोड़ने से पहले ये करना है, ये इसमें सांस पर ध्यान देने की जरूरत है,
4 बार नहीं, फिर भी बाहर आने का भी तरीका है, ठीक है। उसके बाद 4 बार हो गया, बायां करवट लेंगे और ऐसे उठेंगे, और उठने के बाद आंख बंद करेंगे, और आंख बंद करके ध्यान यहाँ करेंगे, और जो भी भगवान का नाम मंत्र जो आता है, चाहे मान लीजिए वो कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय आता हो, या हरे कृष्ण आता हो, वो 10 बार जाप, या गायत्री मंत्र आता हो, कोई भी मंत्र का जाप करेंगे यहाँ एकाग्र, है ना। और उसके बाद धीरे से आंख को प्रणाम करके आंख खोलें। जीवन में मनुष्य के साथ वह अपनी शरीर को मशीन बना दिया है संसारिक बंधनों के कारण। मन हे मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष बंधु से अभिशा संगी मुक्ति निर्विशन मन ही बंधन मुक्ति का मन चंगा तो कठोती में। परेशानी तो पांडवों को भगवान कृष्ण ने इतना दिया कि आप सोच नहीं सकते। आप राजा थे और फिर भी वनवास हो गया, सामने में पत्नी का चीरहरण हो रहा है, आप सोच सकते हैं क्या? आज भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो जाता, आप क्या करेंगे, है ना। तो अब आप ये सोचो कि आपका शरीर कितना महत्वपूर्ण है, आपको मन को ईश्वर में लगाना ही पड़ेगा। आप उठते साथ उठे मोबाइल लेके लिए, फोन आ गए, कुछ नहीं, या भाग के, तो सबको पहले गैस रिलीज पवन मुक्त आसन, फिर आंख बंद करके ईश्वर आसन यानी ईश्वर को ध्यान किए, उसके प्रणाम करके, और उसके बाद शौच के लिए चले जाइए। हाँ एक चीज और रह गया कि गर्म पानी थर्मस में, ऐसा थर्मस है, उस थर्मस में गर्म पानी रात में ही गर्म पानी बिस्तर के पास रख दीजिए, क्योंकि उठते साथ प्रेशर आएगा, वॉशरूम का प्रेशर आएगा, तो अगर रुक 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 सकता है तो आप पानी थोड़ा सा दो आधा एक गिलास पी लिए, है ना, पी के आप फिर वॉशरूम चले, और नहीं तो ऐसे बहुत प्रेशर है तो आप वॉशरूम गए, अपना यूरिन किए, फिर प्रेशर आ गया तो ठीक है टॉयलेट में बैठ गए, फिर आके पानी, और पानी पूरा आप अच्छे से पीजिए, 2-3 गिलास जितना आराम हो सके, और 1 गिलास पी के बाद ये अगर नॉर्मल प्रेशर आ गया तो ठीक। उसके बाद ये जो आप अभी उदर स्नान है, ये जो हमने 4 गिलास नींबू पानी वाला बोला, ये उदर स्नान यानी उदर को आप पानी दे रहे हैं, नींबू नमक पानी से धो रहे हैं। उसके बाद 4 गिलास ऐसे धीरे धीरे करेंगे। कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, पेट को साफ करने वाला आसन, है ना, ठीक है, ये करके करेंगे। आज अभी आप लोग ये पिए हैं, आपको अगर समझ लीजिए कि अभी जाके घर में अभी से 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, वहां जहां भी रहेंगे वहां टॉयलेट तो रहेगा ही, 1-2 घंटे तक वहां आपको प्रेशर आ जाएगा। अभी 12 बजे दिन तक आप सिर्फ फलाहार करें, जो भी फल हो, एक फल जैसे अभी पपीता थोड़ा खा लीजिए नहाने के बाद, है ना, प्रेशर आ गया, मोशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मोशन आ जाता है तो आप एक केला खा लीजिए, लेकिन आप बोलेंगे कि शुगर में केला खिला रहे हैं आचार्य, है ना, ये औषध है, दवाई है। अब केला जब खिला रहे तो उसको कंट्रोल करने के लिए हरी पत्तियां खानी, यानी साग खाइए, धनिया पत्ता खाइए, धनिया पत्ती की चटनी बनाइए, उसको खाइए, ठीक है, खूब हरा हरा चीज खाइए, लौकी खाइए, हरा हरा चीज जो है खाते रहना है। शाम को सिर्फ पत्ते वाली सब्जी नहीं, शाम को पत्ता का कोई चीज नहीं खाना, और दिन में पत्ता का 2 बजे दिन तक पत्ते वाली सब्जी खूब खाइए, रात को दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, जो भी खाना है, या सब्जी जो उबली हुई फ्राइड सब्जी नहीं, पनीर या मटर ये सब नहीं, दाल भी अवॉइड कर, रात को रोटी सब्जी खाइए, सब्जी पानी में पका, और पानी में मसाला नहीं, सिर्फ हल्दी और सेंधा नमक, है ना, और उसको भी जो पकाते समय हल्दी डालें, हाँ धनिया पाउडर भी डाल सकते, और सेंधा नमक, छौंक लगा दिया जीरा का, जीरा मेथी प्याज खाते हैं तो प्याज भी आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, प्याज लहसुन अभी मना नहीं कर, है ना,
और उसके उसके बाद उस छौंक में आप सब्जी डाल दिया, बहुत कम तेल, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं रात के खाने, ठीक है। दिन को आप खूब मसालेदार पनीर वगैरह भी खाने का मन करता है खाइए, लेकिन इतना सलाद खाइए 1 प्लेट, ठीक है। कच्चा पपीता भी ठीक है, कच्चा पपीता है, बोरो जो होता है वो भी सलाद है, फिर पत्ता गोभी है वो भी सलाद है, अच्छा बरबटी, हाँ, सब सलाद है, उसको स्टीम कर लीजिए। बीन्स थोड़ा जो हैवी होता है लेकिन बोरो ठीक है, ठीक, बरबटी, ये सब सलाद है। फिर उसके बाद शिमला मिर्च भी सलाद है हरी, ये डायबिटीज के पेशेंट को जितना कच्चा हरा चीज खा सकता है उतना अच्छा, जितना कच्चा उतना अच्छा। और उसको अगला स्टेज है कि अगर मान लीजिए लीवर भी कमजोर है और अच्छा नहीं लग रहा है खाने में, तो स्टीम कर ली। स्टीम कैसे करेंगे, ये पतीला है ना, 1 मिनट, पतीला बड़े बड़े, ये पतीला है, इस पतीला में पानी भर लिया आधा, और एक जाली वाला बर्तन जो होता है ना, जो इसमें डूब सके, उसमें सब्जी रख लिया काट, और ढाप से वो पक जाए, उसमें हल्दी धनिया पानी और में डाला नहीं, स्टीम उसको मिला है। स्टीम मिलना चाहिए। और मान लीजिए जो पतीला नहीं, तो रुमाल बांध लीजिए, रुमाल बांध के और कपड़ा कोई भी बांध लीजिए और उसमें सब्जी रख दीजिए। तो हाँ, इडली बनाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं ना, यहाँ आपको बाहरी ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए सब्जी। खाना अच्छा कुक प्रेशर कुकर में कोई भी खाना नहीं खाना है। वो वो नहीं खाना, वो खा अभी सुबह में नहीं, उसको पहले फल खाना है के बाद खा सकते सकते हैं, लेकिन फल खा के पूरा भर पेट खा लिए, क्योंकि वो आपको अगर वो पचेगा तो शुगर कभी नहीं होगी, पच नहीं रहा। हैं। आप शुगर की गोली खाते हैं? हाँ, अब ठीक है, तब आप खाइए, लेकिन आप उसके लिए भी थोड़ा पहले फल खा लीजिए, उसके 5-10 मिनट बाद आपको मुंह खा। सुबह में आप सबसे पहले जैसे आप उठते हैं, ब्रश व्रश कर लिए, रात में मुनक्का किशमिश, अलग अलग मुनक्का नहीं तो सिर्फ किशमिश भी, और छुआड़ा, इसको भिगा के रख दीजिए, अंजीर, ये सब भिगा के रख दीजिए, है ना। बादाम वगैरह अगर खाना है तो 2-4 बादाम, बादाम वो लोगों को खाना है जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, दिन भर काम भी। हाँ हाँ बस उसको थोड़ा सा किशमिश वगैरह ले लीजिए और एक फल ले लीजिए, कोई भी एक फल, उसके बाद आप ये खा लीजिए। लेकिन आपके केस में जिसको शुगर है, सब सब कोई भी फल, एक इनके लिए 1-2 फल बोल रहे हैं क्योंकि शुगर नहीं है, लेकिन जिनको शुगर है, अभी नहीं है ना, दवाई खाए थे, हाँ, ये सब परहेज। अब आप सुन लीजिए, शांति शांति से पहले सुन लीजिए क्या डाइट होगा, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और उसके बाद दो, नहीं भाई, 2 2 मिनट हो गया ना, बस 2 मिनट रुकिए, शांति से देखिए, शांति से सुनिए, बीच में बोलिएगा नहीं। सबसे पहला चीज कि आपका जो आहार है वह सुबह में आपको जूस, ग्रीन जूस लेना है। अगर किसी को भी शुगर हुआ है, इसका मतलब शुगर का असर है ना, और है, हो रहा है तब भी, ग्रीन जूस में क्या कर लेंगे, जितने पत्ते वाली सब्जी होती है, पालक है, मेथी है, धनिया पत्ता है, कड़ी पत्ता है, ये सबको, और आंवला, आंवला ठीक है, लौकी, और चाहें तो आप करेला भी मिला लीजिए, ठीक है, सबको मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, ये करके उसमें पानी मिला लीजिए और अपनी मात्रा के हिसाब से 1 1 गिलास पीना है, ठीक है। ये सबको मिला के उसमें गाजर भी मिला लीजिए टेस्ट के लिए, गाजर, और सबको मिला के, और वो उसमें आप डालिए, उस से बता रहा हूँ, सेंधा नमक, ये उससे अच्छा टेस्टी चीज है, काला नमक, सौंठ और हींग, मात्रा उसकी पहले से बना के रखिए, 1 चम्मच अगर काला नमक लेते हैं तो 2 चम्मच सौंठ और 2 चुटकी हींग,
का पाउडर बनाना। 2 चम्मच काला नमक, तो 4 चम्मच सौंठ और 4 चुटकी हींग, इसकी पाउडर बना के वही पाउडर मिला। अब उसके बाद आपको फीका जैसा लगता है तो थोड़ा काला नमक ऊपर से और मिला, इसी जूस को पीना है। अब जिन लोगों को थोड़ा लगे कि अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा उसको उसको आपने हल्का गर्म पानी में भाप दे दिए। यानी कैसे भाप देंगे, इसमें गर्म पानी है पूरा खौला हुआ पानी, और जूस का ग्लास को इस तरह या कटोरी में गर्म पानी इस तरह, तो उसकी तासीर से वो गर्म। और इसके बाद भी अच्छा ना लगे तो आप देसी गाय के घी, जो पूजे वाले घी होते हैं, देसी गाय के घी है ना, जो 2,000 रुपये लीटर भी मिलता हो, उस देसी गाय के घी में आप हींग और जीरा का छौंक दे दीजिए, और उसमें उसको आप जूस को गर्म कर लीजिए, हींग और जीरा। अब आपके 3 लेवल से आपको टेस्टी बना के आपको पी लेना है 1 ग्लास। ठीक तो वही जर्सी है। खैर ये हो गया, है, उसका इंतजाम करना है, घी आपको इंतजाम करना है। अगर क्रॉस है, जर्सी है, तो आपको उसका घी नहीं ले सकते। पत्ता 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 ऊपर चला गया बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, ये औषध, ये हमने आपको, इसीलिए हरी पत्ता और अमरूद के पत्ते को आप खाते हैं चबा चला लेना, चबा चबा लेना, इससे गया और अच्छा। देखिए अब आपको एक बता दूं, एक दिन टमाटर करेला और ये पालक लौकी नहीं उसको उबाल के या जूस नहीं में, ये सप्ताह में 1 दिन नहीं, रोज का पीते नहीं, ये 1 दिन ही नहीं, रोज का। हैं ये टमाटर बोले, एक चीज और है टेस्ट, देख, एक हाँ इसमें टेस्ट के लिए टमाटर भी मिला, ठीक है। करेला तो पर ध्यान दीजिए, करेला आपको टेस्ट खराब कर रहा हो तो आप ये कर सकते हैं। ये सारा ग्रीन जूस जरूर पीना है। आप जो अमरूद के पत्ते, ये सब दवाई है, वो इसीलिए सेकंड सेकंड स्टेज है। बहुत बड़ा आपने काम कर लिया। तो शुगर का जो इलाज है, जो औषध है, वो अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता, जामुन का पत्ता, जामुन का बीज, पत्ता से ज्यादा पावरफुल है जामुन का बीज। जब जामुन आएगा तब करी, नहीं तो पंसारी की दुकान में मिलेगा, खूब बीज मिलेगा पंसारी की दुकान। मिलेगा नहीं, सूखा ही चाहिए, उसके बीज का पाउडर बनाना है। अब आप सोचिए, जितने भी औषध होते हैं शुगर के मरीजों के लिए, वो शहद के साथ थे। अब आप देखिए, एक तो हम केला की बात कर दिए, दूसरा शहद की बात कर दिए। जितने प्राकृतिक मीठा है, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी दवाओं ने शुगर की दवा को खिलाने का आदर डालने के लिए, और आपको हमेशा शुगर बना रहे, इसके लिए आपको मीठे फल नहीं खाने देता। जो कि मीठा फल वह दवाई भी है और आहार भी है, क्योंकि मीठे फल में सुक्रोज फ्रक्टोज में होता है, और इंसुलिन जो आपका यहाँ पैंक्रियाज में होता है, वह सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। चीनी जहर है, गुड़ जहर नहीं। उसी अगर प्रकार वो चला खाते तो हाँ, आप सही कर रहे हैं ना, आप गुड़ की चाय आज पी सकते हैं। बोल बहुत बढ़िया। 1 मिनट, आप ये सब मैं बोलने वाला हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अपने आप, आपका जो भी कहीं से भी आप सीखे, यही शुगर का इलाज। 100% शुगर को आप सिर्फ इसी से दूर कर सकते हैं, जिसके ऊपर में दुनिया बड़ा माया जाल हो रहा है। ठीक हाँ, इसी से सिर्फ आपको ग्रीन जूस, हरी, और ग्रीन जूस में भी औषध आपने बता दिया इन्होंने कि औषध के रूप में, उसी में आप अमरूद के पत्ते मिला दीजिए, लेकिन अमरूद के पत्ते को रात भर चूर करके ग्लास में मिला कर, 1 गिलास में पानी डाल के रख लीजिए, और उस जामुन का बीज का पाउडर ले, वो ज्यादा फायदा करेगा। और हाँ, और ये इसका पत्ता, कड़ी पत्ता तो हम बता ही दिए, और आम का पत्ता भी मिले वो भी, ये सब शीशम का पत्ता वो भी, ठीक है। लेकिन ये जूस जो है फिर बहुत कड़वा हो जाएगा, टेस्ट अलग होगा, तो इसीलिए जो आहार वाला जूस है उसको अलग रखिए, और इसको ऐसे पानी चेंज इसमें मिला अभी लीजिए। पता है ये चिपा गए ना साबु पता है ये पता है वो बढ़िया खाने पता है इससे अलग था बहुत बार अब बस ये सब पत्ते को आप जूस बना लीजिए, आम के पत्ते भी, कर जामुन,
आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता, जामुन का बीज। हाँ तो चबाना, बिल्कुल वो भी चबा लीजिए उस पत्ते को, वो अच्छा, और नहीं तो आपको मिक्सर में ग्राइंड करके उसका जूस पी, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद ग्रीन जूस के बाद आप हरी, आप जितने भी फल हैं सारे फल एक एक करके दिन के 12 बजे तक फली फल, फली फल खाना है डायबिटीज के पेशेंट को। जो डायबिटिक नहीं है वो पहला आहार आपका फलाहार, और ये जो आपका अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज आप भी ले सकते हैं, इसी बीच में सलाद भी खा सकते हो अनाज अंकुरित अनाज के साथ। ऐसे अंकुरित अनाज नहीं खाना, सलाद के साथ खीरा गाजर टमाटर। उसके बाद आप, हाँ इसके बाद आपका दिन का भोजन में एक प्लेट सलाद खाना है, और उसके बाद आपको जो खाना खाने का मन है, आपको चावल खाने का मन है जबरदस्ती मत कीजिए। डायबिटीज के पेशेंट अगर टेस्टी खाना नहीं खाएंगे, चटपटा मसालेदार खाना नहीं खाएंगे तो उनको और डायबिटीज बनेगा, उनको पराठे नहीं मिलेंगे तो और प्रॉब्लम। इसीलिए खूब एक प्लेट सलाद खा के, आप पनीर खाना चाहते पनीर खाइए, सलाद खाना सलाद खाइए, चावल खाना चावल खाइए, चावल का माड़ निकाल, पुराना चावल उसना चावल खाना नहीं, नहीं आप इसीलिए छोड़े क्योंकि आपको ज्ञान जानकारी नहीं, नहीं छोड़ रहे चावल। चावल जो है रोटी से गेहूं से ज्यादा लाभकारी है, ठीक है ना। एक ये हो गया। और अब इसके अलावा जो अनाज आपको खाना है वो है चावल और गेहूं, अगर आप कम से कम कर दें, जौ ज्वार बाजरा कोदो कंगनी कुटकी सावा ये सब अनाज, इसका मात्रा हम आपको पूरा व्हाट्सएप पे दे देंगे इसको कैसे करना है। और इसकी अनाज, इसकी रोटी, इसका चावल, इसका दलिया, यही अनाज खाना। और उसके अलावा सब्जी आप हरी सब्जी खूब खाइए, आलू मत खाइए, आलू तो ऐसे भी नहीं खाता हूँ। और शाम को फिर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खाइए, शाम को मतलब सूर्यास्त से पहले, हाँ वो सब खाइए, चना भुना हुआ चना खाइए। और उसके बाद रात का खाना दलिया या जो भी है, ठीक है। चलिए ओम शांति। एक बार एक बार एक बार सब लोग आँख बंद, आँख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, बोलिए ओम। मेरे पीछे बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चिद् दुःखमापुनुयात्। सभी सुखी हों, रोग मुक्त हों, हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी पे स्पर्श कीजिए, हृदय में लगे आत्मा को हृदय स्पर्श, ऐसे ऐसे। चलिए कल हम लोग 6 बजे मिलेंगे।